गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं ट्वेल्थ के लिए नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस में देखो, सबसे पहले हमने देखी है डार्जन्स रिएक्शंस। देखो बोर्ड के पैक्ट क्वेश्चन होते हैं नेम रिएक्शंस में से। देखो सबसे पहले जो डार्जन्स रिएक्शन है, इसके अंदर देखें आप, डार्जन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम करवाते हैं एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं हम? SOCl2 को, ठीक है। SOCl2 की रिएक्शन करवाई जाती है बेस की प्रेजेंस में, और बेस की जगह पे यहाँ पे हम क्या लेते हैं? पिरिडीन लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाएगी RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ देखो, जो HCl और SO2 है, दोनों बोथ आर द गैसियस प्रोडक्ट, दोनों के दोनों गैसियस प्रोडक्ट हैं। इसलिए क्या होगी कि आगे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, उसको आगे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कंटेनर को छोड़ करके वेपोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इवेलुएट हो जाते हैं। अब देखो डार्जन्स रिएक्शन, तो आपको ये याद क्या करना है, वैन एल्कोहल ट्रीटेड विद, या फिर एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम थायोनिल क्लोराइड के साथ और पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारे पास? पहला प्रोडक्ट बनेगा RCl, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में क्या? HCl और SO2। HCl और SO2 दोनों के दोनों जो सह उत्पाद है वो गैसेस है, इसलिए ये एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की सबसे बेस्ट मैथड मानी जाती है। अब देखो डार्जन्स रिएक्शन के बाद में सेकंड जो आती है वो आती है ल्यूकास टेस्ट। बहुत ज़्यादा फेमस है ल्यूकास टेस्ट। सबसे छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो ZnCl2 प्लस HCl। ध्यान दें, ZnCl2 के पहले आपको ड्राई लिखना है, यानी शुष्क लिखना है, और HCl के पहले आपको क्या करना है? सांद्र लिखना है। तो एग्जैक्टली मिश्रण क्या होता है? शुष्क ZnCl2 प्लस HCl का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा अपने पास में, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है हुंसडीकर अभिक्रिया। देखो हुंसडीकर अभिक्रिया के लिए आपको याद रहे, इस बार हुंसडीकर अभिक्रिया से पूछ सकता है, सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं हम RCOOH को, ठीक है। यहाँ से हम H को रिप्लेस करेंगे और H की जगह पे हमने क्या लगाया है? सिल्वर लगाया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि RCOAG की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो Br2 के साथ करवाई जाती है ये, और मीडियम इसका क्या रखा जाता है? इनर्ट मीडियम रखा जाता है ताकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब सिल्वर लवण के अपन अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ में? Br2 के साथ में, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ में। और माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? अध्रुवीय विलायक है, जैसे CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RBr, ब्रोमाइड फॉर्मेशन के बेस्ट मेथड है। तो हुंसडीकर अभिक्रिया कैसे याद करोगे? RCOAG रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बनेगा? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। देखो अगली रिएक्शन जो आती है ना, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। देखो पूरे चैप्टर के अंदर एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की सिर्फ एक ही मेथड है, और वो कौन सी है? फिंकेलस्टाइन। आपको ध्यान दें, सोडियम से स्वार्ट्स नहीं लेना है, सोडियम से आपको लेना है, सोडियम से फ्री रहना है। फ्री रहना है इसका मतलब, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? सोडियम जिस रिएक्शन के अंदर आता है, उस रिएक्शन के अंदर आप क्या लोगे? स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स रिएक्शन लेंगे जब यहाँ पे सोडियम आ रहा है। तो देखो कोई भी एल्किल हैलाइड है, उसकी अभिक्रिया आप NaI और किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। ये दोनों चीज़ें आपको सिम्टम दिखाएंगे, NaI RX प्लस NaI और किसके साथ में? एसीटोन के साथ में। तो ये आपको दिखाएंगे कि रिएक्शन के अंदर क्या करना है आपको? आयोडीन का फॉर्मेशन करना है। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा, और आयोडीन की जगह पर क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। आयोडाइड बनाने की सिंगल मेथड, जिसको अपन क्या कहते हैं? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखें आप, सेम रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन, दोनों देखो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। पहली देखो, जब आप फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया लेते हो तो आपको करवानी है RX प्लस NaI के साथ में। दूसरी बार उसी RX की अभिक्रिया, अगर आप कोई भी डी ब्लॉक मेटल आती है आपके पास में, ट्रांजिशन मेटल आती है, तो उसके फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवानी है। फ्लोराइड क्या होता है? बहुत ही विस्फोटक प्रकृति का होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए क्या होगा?
नॉर्मल सिचुएशंस में अपन इसको क्या नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं करवा सकते, इसलिए इसकी रिएक्शन करवाने के लिए हम ट्रांजिशन मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल से करवाई जाए तो उसको हम बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये क्या है, फ्लोराइड फॉर्मेशन की सिंगल मेथड है। देखो दो तरीके बनते हैं इसमें क्वेश्चन पूछने के। पहला तो बनता है कि आयोडाइड बनाने की कोई एक समीकरण दीजिए, तो आपको खुद से याद रखना है कि वो क्या पूछना चाहता है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। दूसरा, अगर आपसे ये पूछे कि आप स्वार्ट्स फ्लोराइड फॉर्मेशन की कोई मेथड बताएं, तो आपको क्या करना होगा कि खुद से आपको स्वार्ट्स अभिक्रिया लिखनी होगी। और अदरवाइज आपको क्या हुआ होगा, NaI किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में या AgF के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो आप इसको क्या करोगे, रिएक्शन करवा दोगे। नेक्स्ट देखो, विलोपन अभिक्रिया आती है। देखो विलोपन अभिक्रिया का आपको मैं एक एग्जांपल शो करती हूँ, एक बार गौर से देखें आप। देखो अगर मैंने रिएक्शन ये लिखी है RX प्लस, और RX के साथ में मैंने लिखा है KOH, और इसके ऊपर माध्यम मैंने लिख दिया है एक्वस यानी जलीय, ठीक है। दूसरी अगर मैंने रिएक्शन लिखी है RX प्लस KOH, और यहाँ पर माध्यम मैंने कर दिया है एल्कोहली, ठीक है। ऐसा करने से अगर आप ये वाली रिएक्शन करवाना चाहते हो तो ये अभिक्रिया इंडिकेट करेगी आपके किसको, जलीय अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे SN1 रिएक्शन को जब जलीय माध्यम में करवाते हो तो अगला क्या पूछना चाहता है आपसे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक्स की जगह पर OH आएगा, एक्स की जगह OH और OH की जगह KX निकल जाएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट यह बनेगा ROH एल्कोहल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रिएक्शन KOH के साथ में और एल्कोहलिक मीडियम में करवा रहे हो तो यह अभिक्रिया किसका प्रकार है, विलोपन अभिक्रिया का प्रकार है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए आप ये करोगे RX प्लस KOH, और किस में है, क्षारीय माध्यम बोल दो चाहे आप एल्कोहलिक बोल दें। ऐसा करने से आपके पास में, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल आपने ये लिया था CH3CH2X, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2 bond H, और यहाँ से हम क्या रिप्लेस कर देंगे, HX रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास बनेगी CH2 double bond CH2। अब बात ये आती है कि हमें इनमें से कौन सा हाइड्रोजन निकालना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास में क्या था, X के पड़ोसी कार्बन एक ही था, इसलिए हमने क्या करी है, वो हाइड्रोजन निकाल दिया। दूसरा ध्यान दें, अगर ऐसा होता CH3 CH X और फिर CH2 फिर CH3, ऐसा करते टाइम हम वो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ये जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसको आप क्या कहोगे, अल्फा, और पड़ोसी कार्बन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, बीटा, उसके अगले गामा। तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलना है, हम उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिससे हमारे पास में क्या बनता हो, मोर स्टेबल एल्कीन बनती हो। तो आप ध्यान दें, जिस कार्बन की डिग्री ज़्यादा हो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। जैसे इसकी डिग्री देखो तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है 1 डिग्री, और अगर इन दोनों की बात करोगे तो ये कार्बन है 2 डिग्री। ऐसा करने से हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो भी कौन सा डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सबसे पहले तो आपको पहचानना है क्या, कि जो विलोपन अभिक्रिया है वहाँ पे माध्यम के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, एल्कोहलिक। अगर यहाँ एल्कोहलिक नहीं आए तो वो किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है। अब देखो